हे फूडीज, वेलकम टू वामास जंक्शन। हैप्पी नवरात्रास। और इस बार हम व्रत की रेसिपी लेके आए हैं, पनीर कोफ्ते की रेसिपी। और जो ग्रेवी है वो बिल्कुल फराली है। तो लेट्स स्टार्ट कुकिंग। व्रत का पनीर कोफ्ता मसाला बनाने के लिए आपको ये सामग्री लगेगी। इसके साथ ही हमने जो ये पनीर बनाया है वो होममेड है, इसीलिए आप उसमें काली मिरी देख सकते हो। तो ब्लैक पेपर डाल के बनाया हुआ ये घर का गाय के दूध से बनाया हुआ पनीर है। अब कढ़ाई में हमने घी गरम कर लिया, उसमें टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और जीरा डालेंगे। लौकी, गाजर, 10 से 15 काजू, इसको अच्छे से भूनना है। साथ में इसमें नमक, काली मिर्च और मिश्री भी डालनी है। मिश्री हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमने इसमें टमाटर डाला है, तो टमाटर की जो खटास है वो मिश्री बैलेंस कर देगी। अब सब्ज़ियाँ जिस तरीके से पकनी चाहिए वो पक चुकी है। अब हम उसको मिक्सर में ग्राइंड करेंगे, स्मूथ पेस्ट बनाएंगे और फिर उसको फिर से थोड़ा सा घी डाल के तवे पर या कढ़ाई में भूनेंगे। इस पेस्ट को मीडियम फ्लेम पे ही भूनना, क्योंकि इसमें हमने कैशू नट्स यूज़ की हैं तो ये नीचे स्टिक कर सकता है आपके कढ़ाई को, तो ध्यान रखना। और एक बार ये भून जाए उसके बाद आपको जितनी भी ज़रूरत है उस हिसाब से पानी डाल के इसको गाढ़ा या फिर पतला बना सकते हो। अब हम कोफ्ते बना रहे हैं, उसके लिए हमने पोटैटो स्मैश किए हैं, पनीर क्रम्बल किया है, उसमें 2 टीस्पून अरारूट पाउडर और पिंच ऑफ सॉल्ट और पिंच ऑफ ब्लैक पेपर डाल के इसको अच्छे से बाइंड करना है और फिर इसके कोफ्ते बनाने हैं। कोफ्तों को अरारूट पाउडर में अच्छे से कोट करके फिर घी में हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। कोट भी इसलिए कर रहे हैं ताकि कोफ्ते जब घी के कॉन्टैक्ट में आए तो वो फूटे ना, इसीलिए ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छे से जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसको हम टिश्यू पेपर पे निकालेंगे ताकि उसका जो एक्सेस घी है वो ड्रेन आउट हो जाए, और फिर उसके बाद हम कोफ्तों को असेंबल करेंगे हमारी ग्रेवी के साथ। जब खाना हो तभी ये कोफ्ते गर्मा गर्म बना के आपके फैमिली को सर्व करना, और ठीक इसी तरीके से सर्व करना जैसे आप इस वक्त वीडियो में देख रहे हो। पहले कोफ्ते और फिर उसके ऊपर कोफ्तों की ग्रेवी डालना। पहले ही कोफ्ते और ग्रेवी एक साथ मिक्स करोगे तो जब आप खाने के लिए बैठ जाओगे टेबल पे तब ये टूटे टूटे से आपको कोफ्ते मिलेंगे, फिर उस तरीके का उसका मज़ा जो है वो बिगड़ जाएगा पूरी तरीके से। तो ये जो स्टेप है, ये जो टिप है वो ज़रूर याद रखना। ड्रिजल लिटिल बिट ऑफ कोकोनट मिल्क, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास कोकोनट मिल्क है तो आप ये ड्रिजल कर सकते हो, नहीं तो ये ऐसे ही बहुत स्वादिष्ट डिश बन जाती है। फॉर मोर सच यम्मी रेसिपीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और अगर ये रेसिपी पसंद आए तो आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। वी वुड रियली अप्रिशिएट दैट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू।